हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का पूजा बैकपैकर चैनल में स्वागत है। आज हम आपको रात्रि के समय इंडिया गेट की सैर कराएंगे। आमतौर पर आप लोग दिन में तो कई बार इंडिया गेट जाते हैं, बट रात के समय इंडिया गेट का नज़ारा, राजपथ का नज़ारा, जनपथ का नज़ारा और राष्ट्रपति भवन का नज़ारा कैसा दिखता है, आज हम आपको ये दिखाएंगे। आज संडे का दिन है और मैंने गुड़गांव से इंडिया गेट का सफ़र साइकिल से शाम को तय करने का फ़ैसला किया और ये रही मेरी साइकिल जिससे मैंने आज का ये सफ़र पूरा किया। और अब मैं यहाँ इंडिया गेट में लगभग 6:30 बजे गुड़गांव से निकला था, 6:40 पर, और 8 बजे यहाँ 8:10 पर, लगभग 1.5 घंटे में मैं यहाँ पहुँचा। और अब यहाँ इंडिया गेट पर आप लोगों को इंडिया गेट दिखा के फिर मैं वापस गुड़गांव का रुख करूँगा। ये लगभग आप लोगों की 4 घंटे की साइकिलिंग भी हो जाती है और आपको अलग अलग चीज़ें समय समय पर दिखाने का मौका भी मिलता है। ये सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये इंडिया गेट का नज़ारा। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि दूर से ही देखा जा रहा है। और यहाँ पर देखो, रोड के ऊपर कितनी सारी गाड़ियाँ हैं और कितने सारे होकर सामान बेचने वाले, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, कोई कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला। ये पूरा उधर राष्ट्रपति भवन की लाइटें आपको नज़र आती है, पूरा सफ़र है। इधर पार्क में देख सकते हैं आप कितने सारे लोग आराम से बैठ करके कोई खाना खा रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई बच्चों को खिला रहा है। ये पूरे का पूरा सफ़र है। आमतौर पर हम लोग जिन चीज़ों को दिन में देखते हैं उनको देखने का रात्रि का नज़ारा काफ़ी अलग होता है। और इसमें इधर मेन रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर शाम को आते हैं। गाड़ियों की भरमार आपको नज़र आएगी, लोग बाइक से, गाड़ी से, साइकिल से, पैदल, बस से, इतने ज़्यादा लोग शाम को आते हैं रात को, खास करके 7-8 बजे से लेकर के 10, 11, 11:30, 12 बजे तक लोग इंडिया गेट के ऊपर इंजॉय करते हैं। यहाँ की खुले सड़कें, ठंडी हवा, लोगों के भीड़, होकर्स के ऊपर कभी कुल्फ़ी, कभी आइसक्रीम खाने का मज़ा, ये यहाँ खासकर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और ख़ास करके NCR वाले लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, आप मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को बहुत सारी, ये देख सकते हैं आप लोग आइसक्रीम वाला या कोल्ड ड्रिंक वाले आप लोगों को यहाँ देखेंगे, उधर आइसक्रीम वाले नज़र आएंगे। और ये भीड़ जो लोगों की कतार है, ये आप लोगों को आमतौर पर दिन में बहुत कम दिखती है। रात्रि के समय कहते हैं कि इंडिया गेट एक बार फिर नया जागता है, क्योंकि जो लोग दिन में नहीं आते, तेज धूप की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, काम की व्यस्तता की वजह से, वो लोग रात को ठंडी हवा में अपने खाली समय में इंजॉय करते हैं। ये एक पार्क परिवार को आप देख सकते हैं, इस तरीके के परिवार और काफ़ी सारे लोग आपको चारों तरफ के पार्कों में नज़र आएंगे। तो दोस्तों, आज के सफ़र में आप लोगों को रात्रि के समय इंडिया गेट दिखाना था, कल फिर आपको कोई नई जगह दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।